Hi guys, this is Kapil Bhatt here. Today I'm gonna show you unboxing of Cube Air 356. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ Cube की unboxing Air 356. बहुत ही ज्यादा शानदार क्यूब है, तो मैंने वैसे पहले से खोलकर देख लिया है, काफी ज्यादा एक्साइटेड था मैं इसे देखने के लिए, और आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कैसा है क्यूब, कैसा इसमें क्या होगा. तो चलिए अनबॉक्स करते हैं. पहले वैसे मैं इसे ओपन कर चुका हूँ, इसकी कुछ तो चलिए देखते हैं कैसा क्या है अंदर से. अंदर आपको मिलता है एक बढ़िया सा, एक सॉलिड सा, क्या है ये मैं खुद भी देख लेता हूँ. हाँ तो ये आपको, हाँ ये पूरा सीफॉप गाइड है, दिखा हुआ है ऊपर सीफॉप गाइड है पूरा, और पीछे से भी इस पर कुछ एल्गोरिथम्स है. तो ये तो फलाना आपको मैं खुद ही बताता रहता हूँ. एक इसमें बॉक्स है, कुछ पॉलिथीन्स है, और ये चटर बटर वाली पन्नी है, जो आपको बजाना हो तो बजाते रहिए, बड़ा मजा आएगा. तो चलिए, मतलब मेन चीज इसी में, इस ब्लैक बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि आपको शानदार रूप में दिख रहा होगा एयर 356, जेन एयर 356. और अंदर ये पता नहीं क्या है, शायद स्क्रू ड्राइवर लग रहा है मेरे को ये देखने से. ये देखते हैं इसको क्या है. तो चलिए इसे ओपन करता हूं मैं इस बॉक्स को, और आपको बताता हूं क्या है. काफी ज्यादा कमेंट थे मुझे, कौन से क्यूब यूज करना है सर, क्या क्यूब यूज करना है बताइए, प्लीज बताइए. तो यार दिखने में तो ये काफी सॉलिड सा है, थोड़े इसके स्टिकर से कलर थोड़े डार्क से हैं. वेल यार पूरा मक्खन है ये तो. मजा आ गया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस तरह ये वर्क करेगा. काफी अच्छा क्यूब है, अगर आप लोगों को लेना हो तो बिल्कुल लीजिए, मगर इसकी प्राइस जो है शायद 2000 समथिंग है. अगर आप बिगनर हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यार नॉर्मल क्यूब लो, 200-300 रुपए का जितने का भी हो. मगर अगर आप थोड़े फास्टर हो और आप पहले से वर्क कर रहे हो तो हाँ, आप बिल्कुल ले सकते हैं यार जेन 356. काफ़ी अच्छा और मज़ेदार क्यूब लगा मेरे को ये देखने में. सबको साइड करते हैं, वर्क करते हैं. ओह सेंटर भी इसके काफ़ी सही है, और इसकी मूव रोटेशन भी सही है. कहीं कहीं थोड़ा अटक जा रहा है लगता है शायद वो आपके, हाँ थोड़ा सा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी है उसकी और वर्क भी अच्छा कर रहा है. सेंटर जो है शायद इसका गोल है, इसको थोड़ा ओपन करके देखते हैं. ओहो यहाँ नट नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ अलग सा ही एक स्क्रू है, शायद ये इसी में पुट होता होगा. इसका क्या है देखता हूँ मैं. अच्छा ये इसी को ओपन करने के लिए, हाँ ये इसी को ओपन करने के लिए, तो मतलब ये स्क्रू ड्राइवर ये, इसको साइड में रखते हैं अपन, इसको अगेन पुट करते हैं और ये देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है. काफ़ी अच्छा है, ठीक ठाक है, ओके ओके है. अगर जो फास्टर क्यूबर है उसके लिए तो एकदम बेहतरीन है, मगर जो न्यू क्यूबर है उसको मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ ये बॉक्स का कोई काम ही नहीं है यार, प्लीज़ वो इसी से वर्क करें. काफ़ी ज़्यादा कमेंट है मुझे इस बात पे कि कौन सा आप क्यूब यूज़ करते हो, आपकी स्पीड इतनी तेज क्यों है, ये वो फलाना ढिकाना. तो भाई मैं यही कहूँगा कि बिगनर लोग, जब तक आप बिगनर हैं तब तक आप इसी क्यूब से, इसी क्यूब को हाथ में लीजिए, और जैसे आपको लगता है कि हाँ आप कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यार, इसको भी ले सकते हैं आराम से, इसको प्रेफर कर सकते हो अगर आपका बजट इतना बनता है. अगर आपका बजट नहीं बनता है तो बिल्कुल इसको मत लीजिए, किसी मतलब किसी यूज़ का नहीं है, थोड़ा प्राइम वेस्ट लगेगा शुरू शुरू में आपको, मगर हाँ अगर आपका एक बार हो जाता है तो शायद ये बहुत ही ओके ओके मेरे हिसाब से. अगर आप अच्छा खासा परफॉर्म कर लेते हैं सीफॉप मेथड या कोई अदर मेथड्स को, तो मेरे हिसाब से आपको ये क्यूब ले लेना चाहिए, और अगर आप परफॉर्म नहीं करते हैं तो उसे छोड़ देना चाहिए. ठीक है, तो बस थैंक यू. अगर आपको कुछ और पूछना है या जानकारी चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और बताइए मुझे कि कैसा लगा आपको इसकी अनबॉक्सिंग, अच्छी थी या बुरी, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आपका प्यार मुझ पर बरसाते रहिए. मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, और बेल आइकन को दबाना ना भूले. बेल आइकन इज बहुत नेसेसरी है, वैसे क्यूब बहुत शानदार है. बाय.